नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अभिलाष। आज हम बात करने जा रहे हैं विंध्य के उन प्रसिद्ध मंदिरों में से एक दार्शनिक स्थल और धार्मिक स्थल, जहां महाशिवरात्रि के समय, सावन के समय सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों लोगों का तांता लगता है। जी, हम बात कर रहे हैं सीधी के प्रसिद्ध बढ़ौरा शिव मंदिर की, जो कि केवल सीधी ही नहीं पूरे विंध्यवासियों की जो आस्था है उसका केंद्र है। आपको बता दें कि लोगों से भारी आस्थाएं जुड़ी हुई है बढ़ौरा शिव मंदिर से। ऐसा माना जाता है कि बढ़ौरा के जो शिव हैं वे स्वयं प्रकट हैं, स्वयंभू हैं, जिसको लेकर के लोगों की भारी आस्था कहीं ना कहीं उनसे जुड़ी हुई है। पर आपको बता दें कि इतने साल बीत जाने के बाद भी वहाँ का जो विकास है कहीं ना कहीं आज भी उपेक्षित है। आपको बता दें कि अभी जब महाशिवरात्रि में 3 दिन का मेला लगा, उस दौरान देखा गया कि किस प्रकार से अव्यवस्थाएँ फैली थी और पीने के नाम पर हैंडपंप में लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे। वहीं बता दें कि इतना प्रसिद्ध मंदिर होने के बाद भी अभी तक कोई उस प्रकार से विकास कार्य वहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। जो वहाँ जाने की सड़क है वो भी पूरी तरह से 1.5 किलोमीटर जो मुख्य मंदिर तक पहुँचने का रास्ता है वो ख़राब है। बरसात के दिनों में हम तमाम देखते हैं सावन के समय वहाँ किस प्रकार से जो पानी है वो पुल के ऊपर से चलने लगता है, कई लोगों के बह जाने का खतरा बना रहता है। लोग अपनी आस्था को मानते हुए कई बार अपनी जान जोखिम में डाल करके वहाँ दर्शन के लिए जाते हैं क्योंकि लोगों की आस्था है। पर बड़ा प्रश्न ये उठता है कि एक ऐसा दार्शनिक स्थल, एक ऐसा धार्मिक स्थल जो कि केवल सीधी ही नहीं पूरे विंध्यवासियों की आस्था का केंद्र है, जहाँ महाशिवरात्रि के समय हमने देखा कि 30,000 से 40,000 लोगों की जो भीड़ है वो प्रतिदिन उमड़ी, ऐसे धार्मिक स्थल का विकास आज तक क्यों नहीं हो पाया है, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा प्रश्न रखता है। और इसके अलावा भी वहाँ अवैध वसूली की जो बातें आती हैं, आपको बता दें कि जो भी लोग वहाँ धार्मिक कार्यों से आते हैं, चाहे वो कथा सुनने आ रहे हों, चाहे दर्शन करने आ रहे हों, उनसे तमाम प्रकार की वसूली की बातें आए दिन सामने आती रहती हैं। महाशिवरात्रि के समय तमाम मीडिया चैनलों द्वारा, अखबारों द्वारा ये चीज़ें प्रसारित की गई कि किस प्रकार से उपेक्षा के साथ साथ यहाँ वसूली का भी एक गोरख धंधा चल रहा है। पर कहीं ना कहीं अभी भी प्रशासन इस मामले में संज्ञान नहीं ले पा रहा है और इतना बड़ा धार्मिक स्थल, इतना बड़ा लोगों की आस्था का केंद्र बढ़ौरा शिव मंदिर आज भी उपेक्षा का शिकार हुआ है और लोग कहीं ना कहीं पानी के लिए और अन्य साधनों के लिए मारामारी करते नज़र आ रहे हैं। बहुत हद तक ज़रूरत है कि प्रशासन और जिला प्रशासन के साथ साथ स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, जो भी हैं, इस पर ध्यान दें और जो ये समस्या है और जो इसका विकास है वो सुनिश्चित करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सेंट्रल एकेडमी प्राइमरी स्कूल दीनदयाल धाम कॉलोनी पड़रा इनवाइट्स एडमिशन फॉर सेशन 2022-23 फ्रॉम नर्सरी टू क्लास 7th। ग्रैब द अपॉर्चुनिटी ऑफ फ्री रजिस्ट्रेशन फ्रॉम नर्सरी टू क्लास 1st एंड कैश बैक ऑफ ₹2,500 फॉर फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स सीकिंग एडमिशन इन क्लास 2nd to 7th। ब्रॉट टू यू बाय Little Hands. For further information, contact our office during school hours. The earlier you start working, the earlier you'll get results.